नीति वचन अध्याय 7 कुल पद 27। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहे, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी, और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाढ़ जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है।